आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश बलिया बांध डी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बकवा से है। बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर बोरी में भर कर मृतक के घर के पीछे ट्रांसफार्मर के पास फेंका हुआ था। ग्राम प्रधान बकवा के द्वारा बांध डी कोतवाली में दी गई घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन व ग्रामीण। मृतक के पिता का कहना है कि बुधवार शाम 8 बजे हुई थी मेरे बेटे से बात, निमंत्रण में जाने की बात कह रहा था। मृतक के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दी तहरीर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी बलिया व फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। ऐसे बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। पीछे और जो लड़का मारा है उसके घर के सामने एक डेड बॉडी दिखी। एक ट्रैक्टर वाला खेत जोतने गया था, वो ट्रैक्टर वाले ने सबको खबर किया कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है जो बोरे में भरी हुई थी। उसके बाद सब लोग दौड़ के आए, उसको खोले। खोलने के बाद पता चला कि फलाना का लड़का सिराजुद्दीन का लड़का है। ये एक ही घर मुसलमान है हमारे गाँव में, उनका लड़का था। ये लोग आके चिल्लाने रोने लगे। मेरे को भी एक लोग हरिंदर सिंह सूचना दिए कि ऐसे ऐसे गाँव में हो गया है। मैं बॉडी के पास गया तो स्थिति देखकर मैं कोतवाल बांस जी को फ़ोन किया कि सर यहाँ पे हमारे गांव में मर्डर हो गया, तत्काल प्रभाव से आइए। तो पूरी प्रशासन वहाँ पहुँची। आज थाना बांसडी को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाने के गांव बकवास में एक डेड बॉडी एक खेत में पड़ी हुई है। उक्त तो सूचना पर तत्काल पुलिसगण और अधिकारीगण मैं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी यह प्राप्त हुई है कि गांव के ही एक युवक जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास में है, उसकी डेड बॉडी वहां मिली है और उसके गले पर चोट का निशान है। मौके से डेड बॉडी को मर्चरी भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है और मृतक के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त करके इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।